गॉड गाइस लिफ्ट मिल गई, आज ट्रक मिल गया मुझे, ट्रक वाला कोई गाइस बोलो जबाब कैसी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग? गाइस मैं ठीक हूँ, बहरहाल आप भी ठीक होंगे। गाइस डे 29 की शुरुआत हो चुकी है। गाइस अभी भी मेरे को नॉर्मली 150 किलोमीटर कवर करना है। दिल्ली का डिस्टेंस जहाँ पे मैं हूँ यहाँ से दिल्ली तक 150 किलोमीटर है गाइस। और गाइस रात को कुछ क्लिपें बनाई थी, पहले आप उनको देखिए और मैं बढ़ रहा हूँ आगे की ओर। तो फाइनली गाइज मैं आया हूँ खाना खाने के लिए, लेकिन अभी तक मुझे सोने की जगह नहीं मिली है। कुछ मालूम नहीं सोना कहाँ पे, लाइट नहीं है होटल में, और पावर बैंक तो चार्ज पे लगाना था, कहाँ पे लगाऊँ अब लाइट नहीं है। सो गाइज खाना शाना हो गया और अभी मैं कुछ इस तरह की जगह पे हूँ और सोच रहा हूँ यहीं पे सोने का। आपको मैं जगह दिखा दूंगा यार आज क्या होगा। आज धुंध जो है ना, धुंध की वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो आज मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ठंड लगेगी। और दिन को आज मैंने काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर कर लिया। एक ने मुझे 40 किलोमीटर छोड़ा और एक ने 50 किलोमीटर बोला था, 50 से 40 किलोमीटर उसने छोड़ा था, दूसरे ने 7 किलोमीटर छोड़ा था, और जो तीसरा मिला था उसने 45 किलोमीटर आगे छोड़ा था। मसलन की आज मैंने 95 किलोमीटर आज मैंने डिस्टेंस कवर किया, और 7 किलोमीटर मैंने खुद चला होगा, यानी सोचो 100 किलोमीटर मैंने कवर किया है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ इस तरह की जगह पे पहुँचा हूँ, तो देखते हैं अब सोने का अरेंज यही है। आई थिंक मुझे शायद आज यहीं पे सोना पड़ेगा, कुछ मालूम नहीं है, तो देखते क्या होगा। अब यही सोऊंगी, कोई और नई जगह ढूंढूँ तो कुछ मालूम नहीं है, तो फिलहाल अभी मैं यहीं पे हूँ। सो फाइनली गाइस डिसाइड हो गया कि मैं आज रात को यहीं पे सोऊंगा। कुछ इस तरह की लोकेशन है, यहाँ पे देख सकते हो आगे से गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, और ये गाड़ियाँ मुझे सोने नहीं देगी क्योंकि हाईवे है गाइस आगे से। देखते अब नींद आएगी कि नहीं कुछ मालूम नहीं है। तो फाइनली गाइस रात के बजे हैं 10, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए क्योंकि आज मैं काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। तो देखते नींद आएगी कि नहीं क्योंकि गाड़ियों का भी शोर है। जब तक गाइस मैं सोऊंगा और फिर जब सुबह उठूंगा तब तक के लिए आपके लिए एक चीज़ है, लव यू मेरी जान, यही चीज़। गाइज रात के बजे 2, ये गाड़ियां मुझे सोने नहीं देती है यार, यहाँ पे देखिए। मॉर्निंग गाइज, एक और नई सुबह। गाइज रात को मैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे सोया हुआ था, आप देख रहे हो मेरे सामने आगे ये लोकेशन है और साथ में दुकान है। अब निकलूंगा मैं आगे की ओर, फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके फिर देखते आगे कहाँ तक पहुँचेंगे आज हम। अभी गाइज मैं कुछ इस तरह की जगह पे चाय पीऊंगा और पहले फोन रखूंगा चार्जिंग पे क्योंकि चार्जिंग फोन की बहुत जरूरत है। तो करते हैं बाय बाय और भर रहे हैं हम आगे की ओर, ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। गाइज रात भर की क्लिपें तो देख ली होंगी आपने, और गाइज अभी मैंने यहाँ से स्टार्टअप किया और आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम, जाके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। और मैं बढ़ रहा हूँ आगे की ओर, गाइज लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन लिफ्ट नहीं मिल रही है। देखते हैं आज पूरे दिन क्या होगा मेरे साथ, कुछ मालूम नहीं है गाइज मेरा क्या होगा। माय गॉड गाइज, डे 29 की पहली लिफ्ट, मुझे लग रहा था कि आज लिफ्ट ही नहीं मिलेगी। इनके साथ एक क्यूट सा बच्चा भी है भाई, आपका नाम? मेरा नाम है अध्योम चौहान। अध्योम चौहान है भाई का नाम। भाई आप मुझे कितना किलोमीटर आगे छोड़ोगे? 20 किलोमीटर आगे, लव यू मेरी जान। और एक क्यूट सा बच्चा है इनके साथ, आके देखे बच्चे की कितनी खूबसूरत है। और हम जा रहे हैं आगे की और देखते आगे क्या मजा आएगा मुझे अब। थैंक यू सो मच भाई जान का, तहे दिल से शुक्रिया यार। जम्मू कश्मीर वासियों भाई के लिए प्यार बरसाओ प्यार। और भाई जा रहे हैं इस साइड निकाला और मुझे जाना सीधे, ठीक है फिर बाय बाय, लव यू मेरी जान। भाई 4-5 किलोमीटर चल के अभी तक कोई लिफ्ट नहीं मिली है, सुबह से गाइस एक ही लिफ्ट मिली है। आगे क्या होगा मेरा कुछ मालूम नहीं है गाइस। और गाइस मैं अभी कुछ इस तरह की लोकेशन पे हूँ, आप देख रहे होंगे, बढ़ रहे हैं आगे की और देखते आगे क्या होगा, कुछ मालूम नहीं है। इस नेपाल के जो बंदे मुझे देखते हैं, भाई आपका नाम? पदम बहादुर शाही है भाई का नाम। कहाँ से हो आप? नेपाल कौन सी जगह? डिस्ट्रिक्ट जुमला। क्या बात है, लव यू नेपालियो, लव यू मेरी जान। गाइस नेपाल से जितने भी देख रहे हैं, नेपाली बंदा मुझे मिला था और नाम शाम पूछ लिया इनका मैंने, और मैं अभी कुछ इस तरह की लोकेशन पे हूँ और भूख भी काफी ज्यादा लगी है यार। गाइस लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन लिफ्ट नहीं मिल रही है, आप देख रहे हो गाइस।
गाइस ना कोई लिफ्ट मिल रही है ना ही मुझे खाना मिल रहा है। गाइस मैं क्या करूं? गाइस जब तक मुझे खाना मिलेगा तब तक के लिए आपको मेरी टिंड की भी कसम है। गाइस लिफ्ट तो नहीं मिली लेकिन यहाँ पे मुझे होटल मिला है। आई थिंक यहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन होना चाहिए, चिकन विकन नहीं होना चाहिए। पहले खाना खाएंगे, भूख काफी ज्यादा लगी है यार। गाइस इस टाइप की कुछ जगह है और मैं अंदर की ओर आया। मैंने इनको बोला पावर बैंक लगाना है मुझे चार्जिंग पे और फोन, ताकि मेरा एक पावर बैंक बिल्कुल डेड है यार और एक फोन है। फोन आपको पता आईफोन में बैटरी बैकअप कैसा है यार, आईफोन का बैटरी बैकअप बिल्कुल लो है। और यहाँ मैंने अभी ऑर्डर कराया है आलू गोभी और फुल्का खाएंगे, देखते आगे क्या होगा। और सुबह से एक ही लिफ्ट मिली है यार, काफी ज्यादा थक भी गया हूँ। खाना शाना हो गया और फोन कर रहा हूँ आगे की ओर, आगे देखते कहाँ पे पहुंचेंगे कुछ मालूम नहीं है। खाने का बिल हो गया था 110 रुपए और मैं बढ़ रहा हूँ आगे की ओर। आगे मालूम नहीं है गाइस लिफ्ट मिलेगी कि नहीं, कुछ मालूम नहीं है क्या होगा मेरे साथ आज। मुझे रात को कहाँ बिताना पड़ेगा कुछ भी मालूम नहीं है अभी गाइस। जब तक के लिए गाइस मुझे मालूम चलेगा और आपको मालूम चलेगा तब तक के लिए आपको मेरी टिंड की कसम है। गाइस बोलो जबाब कैसरी और मैं बढ़ रहा हूँ आगे की ओर। गाइस खाना खाने के बाद लिफ्ट तो नहीं मिली लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा गाइस। गाइस जो चीज ये है कि मुझे जगह मिल गई आराम करने के लिए, थोड़ा सा आराम करूंगा फिर आगे बढ़ेंगे, देखते आगे क्या होगा। गाइस मुझे जाना है गुड़गांव में, अभी भी नॉर्मली गाइस 85 किलोमीटर दूर हूँ मैं, जहाँ पे हूँ वहाँ से गुड़गांव 85 किलोमीटर दूर है। और मैं कुछ इस टाइप की लोकेशन पे थोड़ा सा आराम करूंगा गाइस। यहाँ पे देख सकते हो लोकेशन किस टाइप की है। गाइस मुझे लगता है मेरी तरह भाई को भी लिफ्ट नहीं मिल रही है, भाई भी रास्तों में भटक रहे हैं, भाई को शायद कोई मिशन है जो मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए निकले हैं। और आप बता देना गाइस कमेंट बॉक्स में कि जो मेरा नया मिशन है ये मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देना यार। गाइस कुछ टाइम आराम करने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ आगे की ओर, देखते हैं आगे लिफ्ट मिलेगी कि नहीं, कुछ मालूम नहीं है गाइस लिफ्ट मिलनी चाहे। अभी भी कोई 85 किलोमीटर दूर है हम गुड़गांव से और वहीं पे जाऊंगा मैं आज। कोशिश करूंगा गाइस कि मैं शाम तक वहां पे पहुंच जाऊं। भाईजान का तहे दिल से शुक्रिया जो बाइक वाले हैं, इन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी लेकिन वीडियो बनाने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत क्लिप बनाई रास्ते की। तो अब देखते आगे क्या होगा। अभी इस जगह पे रुका गया, मुझे इस तरह की लोकेशन है कुछ। गॉड गाइस लिफ्ट मिल गई, आज ट्रक मिल गया मुझे, ट्रक वाला कोई चढ़ा देगा भाई। लिफ्ट मिलेगी मुझे गुड़गांव तक। भाईजान आपका नाम यार? प्रदीप कुमार है भाई का नाम। और भाई कहाँ से हो आप? यूपी से है भाई। लव यू दिल वालों का दिल का करार लूटने में आया हूँ यूपी बिहार लूटने भाई। और हम बढ़ रहे हैं आगे आप दिल्ली की ओर। ओ माय गॉड गाइस, मुझे तो लगा था कि आज दिन को भी मेरे को लिफ्ट नहीं मिलेगी लेकिन फाइनली मुझे लिफ्ट मिल गई अपनी मंजिल के तक, मंजिल जहाँ पे मुझे वहां तक मुझे लिफ्ट मिल गई। थैंक यू सो मच दिल भाई का तहे दिल से शुक्रिया। गाइस नॉर्मली अभी भी कोई 50 किलोमीटर दूर है और मैं अभी आराम करूंगा गाइस, गाड़ी में ही सो जाऊंगा। गाइस जाम काफी ज्यादा है गाड़ियों का, यहाँ पे देख सकते हो पूरा बंद पड़ा हुआ है आगे। गाइस अभी हम कुछ इस तरह की लोकेशन पे हूँ और भाई उतर रहा है तेल भरवाने के लिए गाड़ी में, तो देखते आगे। अभी नॉर्मली कोई 15 किलोमीटर दूर हूँ मैं गुड़गांव से, तो आगे क्या होगा कुछ मालूम नहीं है गाइस। तेल शेल डाल के आप निकल रहे हैं हम आगे की ओर, देखते हैं आप। तो थैंक यू भाईजान का तहे दिल से शुक्रिया, भाईजान ने मुझे गुड़गांव तक पहुंचा दिया अपने मिशन जो है मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए। भाई ने काफी ज्यादा हेल्प किया गाइस। अभी मैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे हूँ और 80% भाई मेरा चैलेंज कम्प्लीट हो गया और 20% बकाया, देखते आगे 20% कम्प्लीट होगा कि नहीं। और भाई को तहे दिल से शुक्रिया और भाई की टिंड की कसम है गाइस, लाइक बनती है भाई के लिए, लाइक करना यार। अभी मैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे हूँ और मुझे जाना है टूल टेस्ट क्रॉस करके उस साइड मुड़ना है, उस वाली रोड पे जाना है। तो भाई का तहे दिल से शुक्रिया यार, भाई ने मुझे 85 किलोमीटर आगे पहुंचा दिया। अभी नॉर्मली पता नहीं कितना किलोमीटर गुड़गांव, लेकिन गुड़गांव के अंदर एंटर पहुंच चुका हूँ मैं। अब देखते हैं गाइज मेरा जो 20% चैलेंज है वो कम्प्लीट कर पाऊंगा मैं कि नहीं, कुछ मालूम नहीं है गाइज यार। अभी मैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे हूँ, सामने लोकेशन है और मैं चाय पीने की चाय पी रहा हूँ। और गाइज आपका एक काम है कि अल्वेश यादव सर को लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट करो कि क्रेजी उलागर जो है गुड़गांव पहुंच चुका है, देखिए आगे अब क्या होगा। 80% तो मैंने अपनी तरफ से चैलेंज कंप्लीट किया है, अब जो 20% बचा है देखते हैं आप 20% चैलेंज होगा कि कंप्लीट कि नहीं, कुछ मालूम। भाई चाय शायद पी के मैं निकल रहा हूँ आगे की ओर और काफी ज्यादा ठंड है गुड़गांव में। अब देखते हैं कब तक मुझे उनके घर का एड्रेस मालूम पता चलेगा, कुछ मालूम नहीं। और थैंक यू सो मच गाइज,
जिस सब्सक्राइबर ने मुझे इतना बोला था कि गुड़गांव में अल्पेश यादव सर रहते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और गाइज अभी तक आपने लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट नहीं किया है, कमेंट करो कि क्रेजी व्लॉगर जो है वो गुड़गांव पहुंच चुके हैं। अभी मैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे हूँ और वीडियो भी एडिटिंग करनी है। फाइनली गाइज वीडियो हो गई है कम्प्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। गाइज मिलते हैं कल 8:30 में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, लव यू मेरी जान।